हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्यागुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिएगा, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशंस आएंगे उन सभी वीडियोस के जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, आपको काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सारा वीडियो देखेंगे तो लास्ट में रिविजन होगी, रिविजन आपको हेल्प करेगी ये सारे के सारे नाम रिटेन करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड कप से, फीफा वर्ल्ड कप से। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का होस्ट पूछा है और यहां पर देखिए प्लूरल लिखा है, इसका मतलब मल्टीपल होस्ट होने वाले हैं। पहली बात करते हैं कि अभी भी वर्ल्ड कप चल रहा है रशिया में, 2022 में होगा कतर में, और 2026 वाला कौन होस्ट करेगा ये भी डिसाइड हो चुका है। लिखिए US, मेक्सिको एंड कैनेडा। US, मेक्सिको एंड कैनेडा। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या बताया। मैंने बोला फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है, फीफा वर्ल्ड कप अभी चल रहा है रशिया में, 2022 में होगा कतर में, और तीसरा क्वेश्चन बनेगा इस एक क्वेश्चन के अंदर से कि 2026 में होस्ट करेगा नॉर्थ अमेरिकन, मतलब US, मेक्सिको एंड कैनेडा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 का वेन्यू सेट हुआ है, 2019 ऑब्जर्व करिएगा। जब भी इयर्स बोल रही हूं ना उनको ऑब्जर्व करिएगा अच्छे से ताकि गलती ना हो। अब क्या क्या रहे हम कह रहे हैं इंडियन साइंस कांग्रेस का 2019 का वेन्यू की बात हो रही है, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब की बात हो रही है जो होस्ट करेगी इसे। मैंने क्या बताया आप पूरा लिख लीजिए, एलपीयू जालंधर पंजाब। याद रखिएगा इंडियन साइंस कांग्रेस 2019 का वेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। अब वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, नाम से आपको पता चल रहा है कोई अच्छी बात हो रही है, इनका थीम भी अच्छा सा। पहले ये याद करिए कि 14 जून को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। उसके बाद बी देयर फॉर समवन एल्स, ये थीम है, इसे आपने लिखना है। कुछ भी मत समझिएगा कि मैंने ऐसे कुछ बोलना स्टार्ट कर दिया। बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड, और उसके बाद क्या बोल रही हूं मैं, गिव ब्लड एंड शेयर लाइफ। मैंने क्या बोला, देखिए पूरा नहीं लिख पाऊंगी मैं। मैंने क्या बोला दोबारा सुन लीजिए, मैंने बोला बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड, शेयर लाइफ, ये थीम है। जानबूझ के लिखा है ताकि आपको मैं यहाँ पे थीम वर्ड लिखूं तो आपको ये याद रहे कि मैम ने थीम भी बताई थी। मैंने कहा 14 जून को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून को बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड, शेयर लाइफ, ये उसका थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन। आर्टिलरी गन से समझिए कि हम एक तोप की बात कर रहे हैं, वो तोप जिसका नाम धनुष है, इंडिजिनस है, इसका मतलब इंडिया मेड है, इंडिया ने खुद ने बनाया है। लॉन्ग रेंज की तोप जो इंडिया ने बनाई, खुद ने बनाई, जो अपना फाइनल टेस्ट पास करके अवेट कर रही है आर्मी में भर्ती होने का। जी तो आर्मी में मतलब आप ये समझ लीजिए कि शामिल हो जाएगी, जिसकी बात हम कर रहे हैं वो है धनुष। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन जिसका नाम धनुष है, इंडिया की खुद की बनाई हुई है, और मैंने कहा अब अवेटेड है, फाइनल टेस्ट पास कर लिया है इस तोप ने, और जल्दी आर्मी में क्या हो जाएगा, आर्मी में इसे इंक्लूड कर लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिटी ऑन सेटिंग अप ARC, व्हाट इज ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। याद ये रखिए कि कहने को ये एक छोटा सा ही सेंटेंस है, लेकिन इसके अंदर से आपको मैं दो एब्रीविएशन ढूंढ के बताती हूँ, आप कहेंगे वो दूसरी कहाँ है, जरा सुनिए। ये PSB नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक है, वी ऑल नो दैट, ये नहीं है। मैं कह रही हूँ ARC और AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये बात इनकी है, इन्हें लिखिए एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सुनिए क्वेश्चन ये है, कमेटी कोई बनाई है किस चीज के लिए बनाई है, देखिए स्ट्रेस्ड एसेट्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स के, बहुत सारे न्यूज में सुन रहे हैं ना बैड लोन्स के बारे में कि कोई लेकर के भाग गया,
तो वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो स्ट्रेस्ड एसेट्स है, जो बैड लोन्स है, कमेटी बनानी है हम कह रहे हैं या नहीं बनानी है, किसके ऊपर? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, मैंने कहा, और एसेट मैनेजमेंट कंपनी, हम ये जो कह रहे हैं, ये कमेटी का नाम क्या है? सुनील मेहता कमेटी। तो सुनील मेहता कमेटी है इसका नाम, जरा ध्यान रखिएगा। कमेटी जो क्या, किस चीज के लिए है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। देखिए डिसाइड करना है ना, डिसाइड करना है, जरूरत है, कैसे बैड लोन्स को रिकवर करेंगे, तो हम क्या कह रहे हैं? कमिटी ऑन सेटिंग अप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी। हम कह रहे हैं किस चीज के लिए? फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक्स स्ट्रेस्ड एसेट्स। और इस कमेटी का नाम क्या है? सुनील मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, एफडीआई का, हम कह रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड बाय इंडिया इन 2017-18 61.96, यहां पे डॉलर डालिएगा और बिलियन लिखिएगा। मैंने क्या बताया, जरा ध्यान से सुनिए, मैंने बोला एफडीआई रिसीव्ड बाय इंडिया $61.96 बिलियन, इतना बड़ा अमाउंट इंडिया को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई की तरह मिला। कमिटी टू स्टडी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी इन इंडिया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी इन इंडिया, किस सेक्टर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएं, कहां से ज्यादा कमा पाएंगे, सीधी बात है, कमाना है तभी तो इकोनॉमिक जोन की बात हो रही है, किस तरह की पॉलिसीज बनानी है जैसे कि वहां से ज्यादा इनकम हो पाए। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, ऐसी चीजों को ध्यान में रखा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी को स्टडी करने के लिए कमेटी बनाई। हमने क्या बोला? स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी नाम दिया। हमने कहा ये स्टडी करेगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को, और उस कमेटी का नाम क्या है? TCA। कमेटी का नाम है बाबा कल्याणी कमेटी, याद रखिए। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, कमिटी टू स्टडी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी इन इंडिया, नाम है इसका बाबा कल्याणी कमेटी। दोबारा सुनिए, G7 समिट 2019, उस क्वेश्चन के बारे में दोबारा से बात करेंगे, G7 समिट 2019। पहले ये याद रखिए कि G7 समिट जो है, अभी जब लास्ट वाले की बात करेंगे तो वो कनाडा में ये 45th नंबर का जो होने वाला है 2019 में, वो फ्रांस में होगा। मैंने क्या बोला, G7 समिट 2019 फ्रांस में होगा। मैंने क्या बोला, G7 समिट 2019-18 वाला कनाडा में हुआ, उसको छोड़ दीजिए, लेकिन वो फिर भी अगर आप चाहें तो क्वेश्चन के तौर पे लिख सकते हैं। तो G7 समिट 2018 का कनाडा में, 2019 का फ्रांस में होगा। कमिटी टू स्टडी जॉब डेटा कैलकुलेशन, ये है TCA अनंत कमेटी। TCA अनंत कमेटी किस चीज के लिए? जॉब डेटा कैलकुलेशन को क्या करेगी? स्टडी करेगी। तो जॉब डेटा कैलकुलेशन, सीधी बात है, जॉब लगवाई है तो ट्रांसपेरेंसी की बात हम कर रहे हैं। इसके अंदर जॉब्स के बारे में, जो जॉब का डेटा है उसके बारे में ट्रांसपेरेंसी लाने की बात हो रही है, उसी पर्पस से कमेटी बनाई गई है। तो TCA अनंत कमेटी उसका नाम है, ही इज गोइंग टू हेड द कमेटी। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 2000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। हम क्या कह रहे हैं, फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 2000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। यहां बात हो रही है मिथाली राज की, बहुत फेमस हो चुकी हैं और आप जानते हैं, सब जानते हैं इनको। तो मिथाली राज इंटरनेशनल क्रिकेट, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन स्कोर करने वाली फर्स्ट इंडियन, याद रखिएगा क्वेश्चन को, मिथाली राज। इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2018 विनर। अब ये जो फुटबॉल है, ये जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है, इंडिया ने जीता है केन्या को हरा के। किस जीता है? इंडिया ने जीता है केन्या को हरा के, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमेन्स एशियन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 विनर। यहां पर एशियन कप, एशियन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट, एशियन कप की बात हो रही है T20 वाले। तो यहां पर बांग्लादेश जीत गया,
देखिए हर बार ये बोलती हूँ कि आपको सिर्फ उतना नहीं याद करना है कि विनर कौन था, किसको हराया उसका नाम लिखिए। आपको लगा होगा ऊपर वाले क्वेश्चन में बस मैंने इतना ही बताया कि इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल विनर इंडिया। आप ध्यान से सुनिए, मैंने ये भी बताया कि केन्या को हराया है इंडिया ने, वहां पर ही दूसरा क्वेश्चन बन जाता है। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन और आप बनाएंगे ना, बांग्लादेश ने हराया किसको, इंडिया को, विमेंस एशियन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 का विनर बांग्लादेश है, इंडिया को हराया कुआलालंपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का वेन्यू पोर्ट लुई जिसे ज्यादातर लोग पोर्ट लुइस बोलते हैं, पोर्ट लुई, और ये बात हो रही है मॉरिशस की। पोर्ट लुई मॉरिशस की बात हो रही है, ये 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का वेन्यू आपको बताया जा रहा है, 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस का वेन्यू पोर्ट लुई मॉरिशस। इंडिया हैज परचेज्ड AH-64 अपैच हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम, अब जिसे अपैचे कहते हैं वो अपैच है एक्चुअल में, इंग्लिश वर्ड अपैच। इंडिया हैज परचेज्ड AH-64 अपैच हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम अमेरिका, यूएस से खरीदा है, और ये बोइंग नाम की कंपनी का है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, AH-64 अपैच हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम यूएस, और कंपनी का नाम क्या बताया मैंने, बोइंग। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, सूखा पड़ने की बात हो रही है, देख लीजिए इससे लड़ना होगा, कॉम्बैट करना होगा, इससे लड़ना होगा, तो ये डे इसके लिए ऑब्जर्व किया जाता है 17th जून, इसके लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है 17th जून। तो क्या बताया मैंने क्वेश्चन, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट 17th जून, और मैंने ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज MMR, यहां पर मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट की बात हो रही है, मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट 2014 से 16 की बात हो रही है। आपको लगेगा इतना पुराना है, करंट अफेयर्स कैसे हो सकता है, तो इसकी रिपोर्ट अभी आई है, तो मेरे को आपको अभी ही पढ़ाना होगा। जब रिपोर्ट आई है उसके अंदर लिखा हुआ है, मैं आंसर पहले आपको बता दूं, इसका क्वेश्चन का आंसर 130 है। इंडिया में MMR, अब MMR इंजेक्शन मत समझ लीजिएगा, यहां पर मेटर्नल मोर्टैलिटी रेट की बात हो रही है, जो 130 निकला है इंडिया के लिए। अब इसका मीनिंग समझिए, ये बताया नहीं जाता, अज्यूम किया जाता है कि बच्चे समझते हैं पहले से ही। 1,00,000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनको पैदा करने में 130 माओं की डेथ हो जाती है, याद रखिए उसी को 130 नंबर को आ जा रहा है इंडिया का MMR, भूलिएगा मत। मैंने क्या बताया, रेटिंग है मेटर्नल मोर्टैलिटी रेटिंग है, वो उस रेटिंग की ओर हम क्या कह रहे हैं, 130 उसका नंबर है। रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं जल्दी से। फीफा वर्ल्ड कप मैंने क्या बताया था, दो अभी वाला रशिया, 2022 वाला कतर, और 2026 में होगा यूएस मेक्सिको और कनाडा में। इंडिया का साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस, वेन्यू 2019 का LPU लिखिएगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर पंजाब में होगा। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून, जिसका थीम था बी देयर फॉर समवन एल्स, गिव ब्लड एंड शेयर लाइफ। इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस लॉन्ग रेंज आर्टिलरी गन, तोप की बात हो रही है, आर्टिलरी गन मतलब तोप, जिसका नाम है धनुष। कमिटी ऑन सेटिंग अप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक स्ट्रेस्ड एसेट्स, सुनील मेहता कमेटी। FDI रिसीव किया इंडिया ने 17-18 में $61.96 बिलियन। कमिटी टू स्टडी स्पेशल इकोनॉमिक जोन पॉलिसी इन इंडिया, बाबा कल्याणी कमेटी। G7 समिट 2019 का फ्रांस में, ये 2019 वाला है, अगर आप इससे पहले वाला 18 वाला बोलेंगे तो कनाडा याद रखिएगा, G7 समिट 2018 कनाडा। कमिटी टू स्टडी जॉब डेटा कैलकुलेशन, वही ट्रांसपेरेंसी वाला, TCA अनंत उसे हेड करेंगे, तो नाम क्या है, TCA अनंत कमेटी। फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 2000 रन इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, मिथाली राज। इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2018 विनर, इंडिया हराया केन्या को, फुटबॉल की बात हो रही है भूलिएगा मत। विमेंस एशियन T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2018 विनर, बांग्लादेश इंडिया को हराया। 11th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस वेन्यू पोर्ट लुई मॉरिशस।
India has purchased AH-64 Apache helicopters from US. कंपनी का नाम बोइंग है. 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेसर्टिफिकेशन एंड ड्राउट. और इंडिया का MMR 130 2014-16 का जिसका रिजल्ट अभी आया है, जिसका रिपोर्ट अभी आया है. रैप अप कर रहे हैं. थैंक यू.